So hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Harish Bhesh from Uttarakhand, life in Goa, and you are watching Harish Singh Bartender Vlogs. और आज का ब्लॉग होने वाला है, आज हम बहुत enjoy करने वाले हैं. हम जा रहे हैं आज मापसा, जो गोवा का famous market है. सस्ता सामान मिलता है सब कुछ, और उधर जात्रा लगा है. जात्रा बोले तो मेला लगा है, जैसे हमारे जागेश्वर धाम में लगता है अल्मोड़ा में एक महीने का सावन का, वैसे उधर लगा है अभी 4-5 दिन का. तो आज हम जा रहे हैं उधर जात्रा पे, तो बहुत इन्जॉय करेंगे. जैसे झूला झूलेंगे, मतलब मौत का कुआं देखेंगे. पिछली बार भी एक वीडियो बनाया था लेकिन उतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी, लेकिन इस बार हम पूरे बहुत मस्त बनाएंगे. इस बार बहुत इन्जॉय करेंगे, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आने वाला है. अभी बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है गाइज, और रात के अभी कितने बजे हैं, 7:30 हो रहे. तो 7 बजे हम मेले में जा रहे हैं. देखो कौन सा मेला मालूम है, रात को मेला लगता है, दिन में मेला नहीं लगता. वैसे गोवा दिन में खाली रहता है, रात को बहुत मज़ा आता है. M31 का जो मेरा डिस्प्ले था वो बहुत पहले चले गया, तो उसको ठीक कराने के लिए आया हूँ मैं, क्योंकि उसमें मेरा बहुत सारा डाटा है और सिम कार्ड भी है, तो मेरा अकाउंट भी इसी से लिंक है. तो इसीलिए सही कराने के लिए मैं उसको आया हूँ. अभी मेरे को बोल के गए हैं कि 10 मिनट लगेंगे, अगर 10 मिनट से ज़्यादा होगा फिर मैं पैसा कम दूंगा मैं, नहीं तो मैं अपने इस ब्लॉग वीडियो में डाल दूंगा. तो देखते हैं 10 मिनट के ज़्यादा होता है कि नहीं. चलो 15 मिनट दे दिया मैंने, चलो 20 कोई नहीं, मान लिया 20 हो गए. नहीं नहीं भाई 20 हो गए. तो ये शॉप है, क्या नाम है इस शॉप का, अच्छा गुरु मोबाइल्स है इसका नाम, गुरु मोबाइल्स शॉप है. तो हमारे दोस्त लोग हैं जो वो वेट कर रहे हैं हमारा मेला में, और हम हैं इधर शॉप पे, और हम भी अभी थोड़ी देर में मेला जाने वाले हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि साथ में जाएंगे, बट वो लोग आगे चले गए और हम जाने वाले हैं अभी. अभी हमको आधा घंटा मिनिमम लग जाएगा, शायद 20 मिनट तो लग ही जाएगा, तो उसके बाद हम चलेंगे मेले में. तो बहुत इन्जॉय करेंगे आज तो, और वीडियो को लास्ट तक जोड़ देंगे. सो गाइस ये है, ये कौन सा है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये सादा है, ये ओरिजिनल है जो आपने मोबाइल में डाला हूँ मैं डिस्प्ले में. अगर ख़राब होगा मैं इसी दुकान में लाऊंगा. दुकान का नाम है गुरु मोबाइल्स. गुरु मोबाइल्स दुकान का नाम है. अगर ख़राब हुआ तो इधर ही लेके आऊँगा मैं, अगर सही चला तो ठीक है भाई. भाई मेरे को धोखा तो देगा नहीं, ऐसा तो है नहीं, बट मैं चेंज करना. किधर है मोबाइल, किधर है ये? एक्चुअली मैंने बहुत पहले से सोचा था मैं चेंज करूंगा, लेकिन मैं 2 महीने बाद मोबाइल को लेके आ रहा, क्योंकि मैंने आईफोन ले लिया था, इसीलिए मैंने इसको डाटा के लिए, मेरा जो डाटा था इसके अंदर था पूरा, तो इसलिए मैंने रखा हुआ था. तो फाइनली अब मैं इसको सही करूंगा, डिस्प्ले डालूंगा, और उसके बाद इसको मैं रेगुलरली चलाऊंगा. अभी दो शब्द बोल ले, चला आ जा, इधर तो आप भाग क्यों रहा है. ये बोलना कि हमारी दुकान को फेमस कर दो, मतलब इधर ज्यादा से ज्यादा. तुम्हारी दुकान नहीं है नहीं. तो क्यों खड़ा है भाई तुझे आपने दुकान? हम तो कस्टमर है ना. अच्छा कस्टमर हो तुम, अच्छा ये कस्टमर है, बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि हमारी दुकान है. मैं भी यही काम करता हूँ, बट ये नॉलेज वाला बंदा लगता है, मोबाइल वोबाइल सही करते था. इसको मतलब देख के लग रहा है मोबाइल इसके हाथ में दे दो अपने ऑटोमेटिक सही हो जाएगा. क्या बोलता भाई, है ना? सही है सही है भाई जी, सही कर रहा है मेरा मोबाइल को. डिस्प्ले लगेगा उसमें, नया डिस्प्ले डालूंगा इसमें, नया हो जाएगा मोबाइल मेरा. भाई ये ज़्यादा पुराना मोबाइल नहीं है, मतलब इसको ना 1-1.5 साल हो रखा है. ये इसका पानी में थोड़ा इसकी प्रॉब्लम की वजह से हो गया, मैंने नया ले लिया फिर रेगुलरली चलाया नहीं, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया. नहीं तो मैं मोबाइल को बहुत संभाल के रखता हूँ, जो भी महंगी चीज़ रहता है बहुत संभाल के रखता है कि नहीं भाई? सही है सही है. गुटखा खाते हो? नहीं नहीं गुटखा नहीं खाते. गुटखा मत खाया, तेरी उम्र है गुटखा खाने के अभी? नहीं नहीं आंटी सुपारी खाते हम तो. कौन सी सुपारी? आंटी सुपारी. अरे बाप रे, आंटी तो बहुत फेमस हो रखे है. तो भाई ने एकदम अच्छी तरह, मतलब बोले तो एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से कीपैड पूरा चेक करवाया मेरे से, मतलब पूरा चेक किया मेरे सामने कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. ओरिजिनल डिस्प्ले है, लोकल नहीं है, मतलब लोकल भी आते हैं लोग, बहुत लोकल लेते हैं 1000 या 150 का, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, तो इसीलिए मैंने ओरिजिनल लगा रखा है, और भाई ने ओरिजिनल लगाया है. तो भाई बहुत अच्छा आदमी है, भाई की दुकान बहुत मस्त चले, हमारी दुआ है, और आपकी भी दुआ हमारे ऊपर है, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना. तो भाई ने पुराना वाला जो मेरा डिस्प्ले था टूटा हुआ, वो तोड़ के मोड़ के मरोड़ के वो नीचे बकेट में फेंक दिया, बताओ. और ये नया लगाएंगे इस पर,
क्योंकि जो भी चीज़ आप लेते हो उसका केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो 10,000 की हो या 20,000 की 15,000 की, ऐसा नहीं कि महंगी है इसको अच्छे से रखो फिर सस्ती है इसको अच्छे से ना रखो, ऐसा नहीं होना चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी पे भी। सो फाइनली हो चुका है मेरा मोबाइल, मेरे को बहुत खुशी है इस बात का कि फाइनली हो चुका है मेरा मोबाइल और अब मेरे पास हो गए 2 मोबाइल। मेरे तो इसके पास भी 2 है, एक इसका 15 प्रो मैक्स है, 14 प्रो मैक्स। तो मेरे पास 2 हो गए और एक जब मैं घर जाऊंगा फिर घर वालों को दे दूंगा ये मोबाइल, बोलूंगा नया लाया आपके लिए, ये फर्स्ट हैंड है, इसमें थोड़ा मैं ऐसे ऊपर से साफ उफ करके चिपका दूंगा, मज़ा आ जाएगा बहुत। तो फाइनली हो चुका है मोबाइल अपना, बहुत वेट करने के बाद आधा घंटा हो गया हमें, भैया ने जबकि हमको बोला था 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं है, लेकिन आधे घंटे लग गए। लेकिन इनका काम अच्छा है, थोड़ा हम रुक गए, नहीं तो हम रुकते नहीं थे, हम चले जाते थे, कसम से बोल रहा हूँ। भैया को मैंने बोला है डिस्काउंट के लिए, भैया डिस्काउंट ज़रूर करेंगे, खुशी देखो इनके चेहरे पे, ज़रूर डिस्काउंट करेंगे। भैया कितना करोगे डिस्काउंट? 2 रुपये। प्लीज़ यार भैया कर दो यार, बहुत गरीब हूँ यार मैं। भैया कर दोगे ना? मतलब ऐसा होना चाहिए आपको भी घाटा ना हो मेरे को भी घाटा ना हो, होता तो आपको फ़ायदा ही होगा, ऐसा तो है नहीं, बिना फायदे को कोई काम नहीं करता आजकल। देखो हमें जैसे हमें बहुत घाटा हो रहा है क्योंकि हमारा सर्विस चार्ज अच्छा नहीं आ रहा, क्योंकि जो भी गेस्ट आ रहा है वो बोल रहा मैं सर्विस चार्ज नहीं दूंगा, इल्लीगल ले लेना, तो इसलिए मैं बोला भैया को यार थोड़ा कम कर देना यार, पैसे नहीं बन रहे, कब से नहीं बन रहे कसम से, हमारे भी नहीं बन रहे। तो भैया बोल रहे हैं कि मैं 200 का टेम्पेड दे रहा हूँ आपको और आप कितना 3,500 रुपीज, गलत बात है यार, थोड़ा कम कर दो यार, ज़्यादा नहीं, एकदम कम कर दो भैया, थोड़ा कम कर दो यार। नहीं होता नहीं ब्रो। हाँ सर यार ये लेकिन कम नहीं कर रहे यार, ये मेरे को ये दे रहे हैं, प्लीज यार भैया थोड़ा, गरीब हूँ यार मैं भी। वो कॉम्बो अच्छा वाला है, एमोल्ड है, इम्पोर्टेंट है, और अगर ख़राब हुआ तो मैं इधर दोबारा लेके आऊँगा। भैया देख लो तुम सपो दो, अगर गिराना मत और डैमेज मत, अगर जानबूझ के गिर गया तो फिर ये भी अगर जानबूझ के गिर गया तो फिर दोबारा मत लाने पे, अब मैं गिरा के तो नहीं गिराऊंगा यार। चलो ठीक है, किधर हो भाई किधर हो? टेंपल के सामने आ जाओ। अरे झूले के उधर बुलाना।